उत्तर प्रदेश के आगरा में सुजैन नाम की मुस्लिम महिला द्वारा हिंदू धर्म अपनाने का मामला प्रकाश में आया है। खबर है कि हिंदू प्रेमी दीपक से शादी करने के लिए सुजैन खान परिवर्तित होकर सुजाता आर्या बनी थी, लेकिन उसके घर वालों को दीपक के साथ यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने गुस्से में दीपक के खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया है। अब दोनों पति पत्नी परेशान हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके मदद मांगी है। वायरल वीडियो में सुजैन उर्फ सुजाता शादी के बाद कह रही है, मैंने आज से 1.5 साल पहले ही हिंदू धर्म अपना लिया था बिना किसी के दबाव में। 4 सितंबर 2022 को मैंने अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में दीपक से शादी की है, लेकिन मेरे घर वाले दीपक और मेरी हत्या करना चाहते थे। दीपक को झूठे केस में फंसाना चाहते थे। आगरा पुलिस से मेरी विनती है, मुझे दीपक और उसके घर वालों को सुरक्षा दे। बता दें कि सुजैन जहां अपने अब्बू पर आरोप लगा रही है, वह उसे दीपक से अलग करना और जान से मारना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर उसके अब्बू ने शाहगंज थाने में शिकायत देकर कहा कि उनकी बेटी 3 सितंबर को सब्जी लेने गई थी, मगर समय गुजरने के बाद जब वह नहीं लौटी तो उन लोगों ने छानबीन करवाई। इस दौरान पता चला कि दीपक उसे बहला फुसला कर ले गया है। लड़की के घर वालों की शिकायत के बाद सुजैन द्वारा दिया गया एक शपथ पत्र भी सामने आया है। इसमें उसने अपने मजहब में कमियां बताते हुए अपना नाम सुजाता आर्य करने की मांग की थी। इसमें उसने कहा था कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से धर्मांतरण करना चाहती है। हालांकि 4 सितंबर को शादी के बाद उसे पता चला कि उसके पिता पर दबाव बन रहा है कि वो दीपक के ऊपर केस करवाए। ऐसे में उसने वीडियो जारी करके ये साफ किया कि ये सारे दावे झूठे हैं और वो अपनी मर्जी से दीपक के पास आई है। उसे और दीपक को उसके घर वालों से खतरा है। और आज 4 सितंबर और मेरे घर वाले मुझे और दीपक की हत्या करना चाहते हैं। तो आगरा पुलिस प्रशासन से मेरी ये विनती है कि वो मुझे मेरे पति को उनके घर वालों को सुरक्षा। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।